नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है और जो बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में भी आपका स्वागत है। तो मैं आपको बाइक रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहा हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो आज का टॉपिक है जो इंजन के अंदर क्लच प्लेट रहती है वो किस तरीके से काम करती है। तो मेरे पास पूरा मैनुअल है, मैनुअल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊँगा, क्लच की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले क्लच का क्या काम रहता है, क्लच क्या करती है, पावर को इंगेज और डिसइंगेज करने का काम करती है। यानी यदि क्लच प्लेट ख़राब हो जाती तो आपका इंजन तो बढ़ता है, आरपीएम बढ़ेगा, लेकिन पावर यानी पहिए पहिए घूमना बंद हो जाते हैं। समझ लो क्लच प्लेट ख़राब हो गई तो क्या रीज़न रहता है। कभी कभी हाफ क्लच में हम चलाते हैं, उसकी वजह से क्या रहता है, ये क्लच रहता है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गेप बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से इंगेज भी नहीं हो पाती और डिसइंगेज भी नहीं हो पाती, उसकी वजह से क्लच प्लेट ख़राब हो जाती है। अब पावर कहाँ से कहाँ जाती है तो मैं आपको उसको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक मैनुअल को द्वारा समझाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया लेकिन आज मैं क्लच प्लेट के बारे में बताता हूँ। ये मैनुअल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किक देते हैं, किक से ये रेचेट मैकेनिज्म रहता है, ये रेचेट घूमेगा। रेचेट घूमने के बाद जो इनपुट शाफ्ट रहता है, आउटपुट शाफ्ट का फर्स्ट गियर घूमेगा, ये इनपुट शाफ्ट रहता है उसका फर्स्ट गियर घूमेगा इस तरीके से। और ये जैसे घूमेगा तो क्लच हाउसिंग घूमेगा, सेंटर हब घूमेगा और फिर क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रोड और पिस्टन घूमेगा और गाड़ी चालू हो जाती है। तो ये एक पावर ट्रांसमिशन रहता है। रेचेट मैकेनिज्म, आउटपुट शाफ्ट का फर्स्ट गियर, इनपुट शाफ्ट का फर्स्ट गियर, क्लच हाउसिंग, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन, इस तरीके से ये पावर का ट्रांसफर होता है। अब देखने वाली बात रहती है कि जो क्लच प्लेट रहती है वो किस तरीके से काम करती है। जो क्लच प्लेट रहती है इसके अंदर दो प्लेट रहती है, एक फ्रैक्शन प्लेट रहती है, ये फ्रैक्शन माने इसके ऊपर टीथ रहती है, ये फ्रैक्शन प्लेट रहती है, और क्लच प्लेट रहती है उसके अंदर के साइड टीथ रहती है। अब इसको फिटिंग करने का तरीका आपको आना चाहिए, तभी आप प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी गाड़ियों में किसी में चार प्लेट रहती है, किसी में पांच प्लेट रहती है, तो क्या रहता है, ये रहता है, ये क्लच रहता है, क्लच हाउसिंग। इसको खोलोगे, इसको खोलने के बाद आपको देखेगा, मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको, मैंने पहले से खोल रखा है। तो इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर देखो ये दो चीज़ है, ये सेंटर हब रहता है, उसके अंदर दो लगे थे, एक तो इसके ऊपर स्प्रिंग लगाते हैं और ये कास्ट आयरन की बनती है, दूसरी इसके अंदर स्प्लाइन रहती है। स्प्लाइन क्या करती है, जो प्रेशर प्लेट रहती है उसको इसके अंदर फिट करते हैं इस तरीके से, एक प्रेशर प्लेट, एक फ्रैक्शन प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक प्रेशर फ्रैक्शन प्लेट, इस तरीके से इसके अंदर इसे फिट करते हैं। और बिल्कुल आराम से करना आपको इस तरीके से, ये इसके अंदर फिट हो जाएंगी, ठीक है, ये इसकी स्लाइड बनी रहती है। लेकिन वो प्रेशर प्लेट रहती है उसके, ये इसको घुमाने का काम करती है, और फ्रैक्शन प्लेट रहती है वो इसको घुमाने का काम करती है। जो प्रेशर प्लेट रहती है वो सेंटर वाले को घुमाती है, और क्लच प्लेट रहती है ये ऊपर वाली टीथ तो दिख रहा है, ये क्लच हाउसिंग को घुमाने का काम करती है। इन्हीं दोनों के बीच का ही कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, फिर मैं इसको दो नट ही लगाऊंगा। ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इसके बाद मैं आपको फिर ट्रेवल शूटिंग वाले भी वीडियो बनाऊंगा, यदि गियर शिफ्टिंग हार्ड हो रही है तो क्या प्रॉब्लम रहती है, इसके बाद आपका स्मोक दे रही है, ब्रेक लाइट नहीं, ट्रेल लाइट नहीं जल रही है, एसटी कॉइल को किस तरीके से चेक करते हैं, आरआरडी रूट को किस तरीके से चेक करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बारी बारी से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो डालता हूँ तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस तरीके से इनको फिर इसके अंदर बिल्कुल एक 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 लाइन में करने के बाद इसको फिट हो जाएंगे, ठीक है। अब फिट हो, अब क्या रहता है, देखो पावर कहाँ आती है, क्लच हाउसिंग में आती है। जैसे हम क्रैंक शाफ्ट घुमाते हैं, क्रैंक शाफ्ट घूमती है, ये घुमाती है, ठीक है, ये घूम रही, लेकिन ये देखो ये घूमेगी, देखो ये घूम रही, लेकिन क्या रहता है, ये आउट इनपुट शाफ्ट नहीं घूम रहा है, ये वाली नहीं घूमती, प्रेशर प्लेट। तो इनके बीच में क्या रहता है, जैसे ही हम क्लच को दबाते हैं तो इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, देखो इनके बीच में गैप बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये एक दूसरे को पावर ट्रांसफर नहीं कर सकती। पावर कहाँ आ रही, ओनली ये क्लच हब पे आती, देखो लेकिन अंदर क्लच प्लेट के अंदर प्रेशर प्लेट पे नहीं जा रही। जैसे ये एक दूसरे टाइट होने लग जाते हैं तो ये पूरा घूमने लग जाता है, पूरा घूमने लग जाता है। इसी के ऊपर जो आउटपुट शाफ्ट का ये फर्स्ट गियर रहता है, देखो ये लगा रहता है, ये घूमता है, ये भी घूमने लग जाता है, पूरा ये घूमेगा, ये वाला आउटपुट शाफ्ट का फर्स्ट गियर घूमेगा, सेकेंड गियर घूमेगा, इस तरीके से पावर फिर पहियों के अंदर चली जाती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इसके अंदर जो सेंटर हब रहता है, एक क्लच हाउसिंग रहता है उसके ऊपर ये टीथ रहते हैं, उसमें फ्रैक्शन प्लेट लग रहती है, इसके अंदर सेंटर में रहती है वो प्रेशर प्लेट लगी रहती है, इनके बीच में गैप बढ़ जाता है तो पावर ट्रांसफर होती है, और पावर
इंगेज होती है और डिसइंगेज होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको जो कभी कभी आपको समस्या आती है, मान लीजिए किक नहीं दे रहे, समझ लो क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट खराब हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप गाड़ी चला रहे हो या आप सर्विस कर रहे हो, तो आपकी जो क्लच की रहती है वो उसके बीच का गैप 2 mm के लगभग प्ले होना जरूरी रहता है। यदि 2 mm प्ले रहेगी तो आपकी गाड़ी अच्छे से और क्लच प्लेट कभी ख़राब भी नहीं होगी, गाड़ी अच्छे से काम भी करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने देखा होगा किस तरीके से फ्रिक्शन प्लेट लगाते हैं, प्रेशर प्लेट लगाते हैं। यदि आपके कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो, वो भी आप जरूर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।